लोकसभा सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद अब राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बस बड़ी बात यह है कि इस बार भाजपा क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने में कामयाब नहीं हो रही। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि लगातार तीसरे चुनाव में उसे करारी हार की बजाय कुछ सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन यह आंकड़ा उतना भी बेहतर दिखाई नहीं दे रहा जो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद कर पाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर दिल्ली रिपोर्ट भेजी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड आलाकमान के समक्ष रखा। तमाम एग्जिट पोल के बाद अब राजस्थान के फलोदी और शेखावटी सट्टा बाजार ने भी अपना फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। इन आंकड़ों के मुताबिक इस बार बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलना जा रही है। 305 से ज्यादा सीटें राजस्थान का सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है, जबकि एनडीए का आंकड़ा 350 के पार है। कोई भी सट्टा बाजार कांग्रेस को 65 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा। एग्जिट पोल के बाद अब राजस्थान के फलोदी और शेखावटी सट्टा बाजार ने 25 सीटों का भी हाल जारी कर दिया है। सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा का आंकड़ा 20 सीटों तक का है। यानी एग्जिट पोल और राजस्थान का फलोदी और शेखावटी सट्टा बाजार में लगभग एक ही कहानी कह रहा है। हालांकि एग्जिट पोल और सट्टा बाजार का अपना अनुमान है, फाइनल आंकड़ा 4 जून को जारी होगा। जनता का जनादेश क्या है ये तब पता चल जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।